दोस्तों कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट कैमरा मोबाइल अंडर 12,000 जहाँ पे आपको सिर्फ 12,000 के अंदर 108 मेगापिक्सल का 4K रिकॉर्डिंग वाला OIS कैमरा मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विथ 44 वाट फास्ट चार्जिंग, और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले वो भी सिर्फ 12,000 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जाओ देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके बाद बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले है, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है, और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। तो दोस्तों इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। और दोस्तों नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच OS 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी F15 5G, जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं, एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाइलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का
फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों, प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन की साथ। तो दोस्तों, आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो कैमरा सेक्शन भी काफ़ी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों, अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस है, तो आप कैमरा सेंटिंग के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों, ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस के रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB प्लस 128GB, 6GB प्लस 128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है, जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों, 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो गए इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB प्लस 128GB, उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो, काफ़ी शानदार सा डिवाइस है। तो ये डिवाइस होने वाला है पोको की तरफ से, पोको M6 प्लस। तो दोस्तों, इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो एक काफी प्रीमियम सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक डिजाइन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, और इसके साथ साथ इस डिवाइस की जो वेट है वो 205 ग्राम होने वाले है। तो डिवाइस थोड़ा सा हैवी है, पर यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है, तो काफी प्रीमियम सा एक लुक देगा, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल HD प्लस लार्ज डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो ब्राइटनेस के मामले में ये डिवाइस थोड़ा सा पीछे है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 1080x2460 पिक्सल रेजोल्यूशन। ग्लास की प्रोटेक्शन पे इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा सा पीछे है, पर 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080x3040fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, कहने को तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पर उससे 2K या फिर 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080x3040fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो गए इसके कैमरा के फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE
5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है और इसके एंटूटू स्कोर 4 लाख के ऊपर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी अच्छा और पावरफुल सा एक डिवाइस है। इस पे आप गेम भी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। रैम रोम पे आपको यहाँ पे दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 128GB। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 5030mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा। इस डिवाइस के अदर फीचर की बात करें तो सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, NFC नहीं मिलेगा और ये डिवाइस Android 14 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों डिवाइस फीचर काफी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इस डिवाइस के आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है, 6GB 128GB जिसके करंट टाइम पे प्राइस 13,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 12,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G54। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा से कैमरा डिवाइस है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का विथ OIS मिलेगा। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड OIS को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। दोस्तों आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको रियर पे 8MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16MP का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 7020 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंटूटू स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है। तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम, जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते हैं काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग की साथ। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटम्स स्टेरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 के वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले 12 5G बैंड, जो काफी अच्छी बात है। कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB+128GB उसके प्राइस 14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ इसके बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है। तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। और जो 12GB 256GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस अभी 15,000 है, वहाँ पे भी आपको 1,400 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से, IQ G9X, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलेगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस की वेट है 199 ग्राम, जो डिवाइस काफी हल्का है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी शानदार है। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी तगड़ी मिलने वाले। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों अंडर 13,000 की डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2MP का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट
कर सकते हो। बात क्या जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो डिवाइस काफी पावरफुल है। यहाँ पे आपको मिलने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट जिसके एंथ्रेडो स्कोर 5,60,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़े डिवाइस है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम भी खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6,000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 44 वाट फास्ट चार्जिंग, जो अंडर 13,000 में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देता है। उसके साथ साथ और एक अच्छी बात ये है, इस डिवाइस पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB का प्राइस होने वाला है 13,000, जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्लान 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट की बात इसकी जो बेस वेरिएंट उसके प्राइस अंडर 12,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस में काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ दो अदर वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 6GB 128GB का प्राइस 14,500 है, 8GB 128GB का प्राइस 16,000 है। वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाइक कर सकते हो।